about Dallas and make it hurt. So what's up guys, it's me Ankush and you guys are watching. Din baad vlog kar raha hu, confidence nahi hai, ekdam hi nahi hai. Upar se ye banda aaya hai. Confidence nahi hai, confidence kya cheez hota hai. To mere bike mein abhi idhar dekh sakte ho 1250 kilometers chal chuka hai, theek hai. तो 1250 किलोमीटर्स में बहुत मजा आया, बहुत एक्सपीरियंस किया, एकदम बाइक को कूदा या नहीं, बस बाकी सब कुछ किया, ठीक है. लीन पिन करके एकदम नी टच करके लीन कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है. अब बात है कि पहला पॉइंट है इसका 1250 किलोमीटर्स में, इसका है माइलेज, ठीक है. हाई बहुत शर्म लग रहा है भाई ऐसे ब्लॉगिंग करने में, बट ठीक है, हम हैं ब्लॉगर. तो पहला आता है इसका माइलेज, दे देता है कुछ सिटी में 18-20 दे देता है, और हाईवे पे 42-43 ऐसा माइलेज देता है, ठीक है. अब अभी हमने संडे को इसका 405 रुपए का तेल डलवाए थे, हाँ. और अभी है अच्छा फ्राइडे, इसमें दो दाग दिखा रहा है 80 किलोमीटर से आएगा, बहुत बुरा हाल है गाइस, ठीक है. अच्छा सेकेंड पॉइंट है इसका थोड़ा बहुत हीटिंग इशू है भाई. फैन जब गाड़ी वार्म अप में दोगे तभी हीट हो जाएगा, फैन चालू हो जाएगा, एकदम बॉ करते लगेगा, ठीक है. तुम्हारा ब्लॉग्स कब आएगा? हाँ, तो ये पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि इसका हीटिंग होता है थोड़ा बहुत रिएक्शन भी मिलता है, ये प्रोज है, रिएक्शन मिलता है. कौन सा है कि हीटिंग है जब इधर अभी दोस्त देख सकते हो, इधर अभी दो तीन चार दागे, ये तो नॉर्मल है, तीन दागे यार, अरे चलो यार बेटा इधर अभी और एक काम हो गया, ठीक है. जो भी है ये और दो तीन दाग इधर जाने के बाद ये बाइक ना बंद हो जाता है, फिर इसे बाइक को ठंडा करना पड़ता है साइड में रुक के. भड़वा भाई है तू, भड़वा है बाइक बंद क्यों होता है? भड़वा भाई है ना, इसलिए बंद हो जाए. बहुत हॉट है ना, इसका पैंट का अलग लोचा है भाई. तो हाँ, इसका वो प्रॉब्लम है थोड़ा हीटिंग वाला, क्योंकि एक दिन हो रहा था कि हम कॉलेज से आ रहे थे, मेरा कॉलेज था सियालदह पे, और आते वक्त लेक टाउन में भाई उसमें मालूम है ऑकेशन टाइम लेक टाउन में कितना जैम होता है, तो उस जैम पे मेरा गाड़ी बंद हो गया था, हमको उधर रुक के 10 मिनट ठंडा करना पड़ता था, ठंडा करने के बाद हम घर आए. तो ये सेकेंड पॉइंट, मतलब मैं बुरा ही बोल रहा हूँ पहले. और क्लोज पे आते हैं, मतलब जो भी अच्छा बात है एडवांटेजेस है. तो पहला चीज़ है इसका ये मिरर्स बहुत हेल्पफुल है, ये इतना वाइड है ना भाई, सब कुछ कवर कर लेता है इस मिरर में. तो ये एडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज है कि कट कूट नहीं मर सकते हो इसमें, क्योंकि वो बड़ा मिरर होने की वजह से इधर उधर लग जाता है. तो ये बात. सेकेंड एडवांटेज है इसका ये विंडशील्ड, बहुत हेल्पफुल है ये वाला चीज़, ठीक है. जब शॉप पे आप ऐसे टक इन करते हो ना, ये पूरा हवा अकेले ब्लॉक कर देता है, इतना अच्छा है इसका एरोडायनामिक्स. और तीसरा पॉइंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही है इसमें. हाँ, अभी भी किसी का प्रॉब्लम है कि ये पीछे बैठ नहीं सकता कोई, क्या कर सकते गाइस. और एक बात कि इसका हाइट, ए 6 फुट, बसो देखिए दाढ़ी ना, बोसे बोलो तुम्हारे पा के हों जाए, तुम्हें तो V4 चलाओ, ये लड़का V4 भी राइड करता है. तो अब देख सकते हो भाई, पूरा पूरा पैर ऐसे टच हुआ कर रहा, टच है. मेरा ऐसे रहता है ऐसे, और इसका देखो पूरा टास्ट है, टास्ट. अच्छा एक बात बोलो कि V4 ज्यादा टॉल है या ये, मतलब लंबा कितना है? V4 अच्छा है, लंबा कौन सा है?
ये वाला। अच्छा, और पीछे पीछे का सीट हवा हवा में उड़ रहा था। पीछे का सीट इतना इतना है। हाँ, इतना था। पिछले दिन बुधा इधर बैठे, ठीक है, तीन हाथ पर से आ रहे थे, इधर बैठे हम तो क्रॉसिंग पे रुका हुआ था, बहुत जाए मैं उधर, बुधा को बोला कि खड़ा होके देखो। उसने इधर खड़ा हुआ, उड़ने के बाद बैठा एकदम उठते ही बैठ गया भाई, पूरा पूरा चीरा पाक दिख रहा है। फिर मेरे को बोला कि अगर मेरा ये वेट नहीं ले पाए तो ये तो टूट जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है इसको लगाने के लिए, तो हम रिस्क नहीं लेगा। तो इसका जो ये लाइट देख सकते हो, ये लाइट बहुत हेल्पफुल है, मतलब मैं हाईवे पे इसे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 400 किलोमीटर्स राइड कर चुका हूँ। और एक बार अपर ऑन करो। हाँ, तो इसका थ्रो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, मतलब हाईवे में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, इसका थ्रो इतना ज़्यादा है। और लुक्स तो आप देख ही सकते हो, बहुत बहुत सुंदर लुक्स है इसका। ये लोंडा, आप आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि इसका ये मीटर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, सिंपल है। देखो आप, ये है इसका मीटर, ये किया हमने चाबी ऑन, चाबी ऑन होने पे ऐसा दिखाता है, ठीक है। ये इग्निशन ऑन करने पर इधर गियर इंडिकेटर आता है, स्पीड आता है, और ये शो करता है, इधर साइड से लिखा हुआ है। इधर है एक सेट, ठीक है, इस सेट को दबाने के बाद ये आप टॉगल कर सकते हो, फ्यूल रेंज दिखाता है। फिर इधर एक एरो है, एरो से ट्रिप टाइम दिखाता है, मतलब अब ट्रिप वन में कितने मिनट्स इस बाइक को चला गए हो। तो मेरा अभी है, देख सकते हो, 3961। फिर आते हैं एवरेज स्पीड, मतलब समझते ही हो एवरेज स्पीड, अभी ये 19 एवरेज, हाँ 19 ही है एवरेज स्पीड, और कम होगा शायद इससे, ठीक है। और फिर आता है एवरेज फ्यूल, जो 35 दिखा रहा है, 35 देते नहीं है। इसका एक ट्रिक है, मेरा एक भाई है, मतलब फ्रेंड है, इंस्टा पे फ्रेंडशिप हुआ था, उसने बोला था कि अगर 4000 आरपीएम से नीचे गाड़ी रहेगा तो इसका माइलेज सिटी में 42 के आसपास देता है, और अगर 4000 के आप रहता है तो ज़्यादा फ्यूल ये खाता है, पीता है, और माइलेज देता नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 4000 के नीचे ही रहने का, बट अब समझ सकते हो आरसी 200 है तो खींचना तो पड़ेगा ना एक बार। तो ये है, इसका टाइम सेट कर सकते हो, इसे सेट को दबाना पड़ेगा ऐसे, और फिर दबाओ, कीप प्रेस्ड। सुपर मोटो हुआ, मतलब पीछे वाला एबीएस बंद हो गया। फिर रोड होगा, मतलब तब दोनों एबीएस चल रहे हैं। ये क्लॉक आया, मतलब ये जो एरो है इसे दबाना पड़ता है, वैसे प्रेस करना पड़ता है, फिर ये क्लॉक आता है, इसे आप चेंज कर सकते हो ऐसे, इस एरो से ही कर सकते हो। इस एरो से चेंज करने के बाद इधर सेट दबाना, फिर ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मीटर, ये है इंजन, ये इंजन नहीं, ये क्या बोलता है, भूल गया, ये है इंजन, एबीएस लाइट, न्यूट्रल लाइट, इधर दिखाता है जब सर्विस के टाइम दिखाता है, और ऐसे बाइक ऑफ होने पे दिखाता है, और इधर आते हैं इंडिकेटर्स। हाँ, तो ये है पॉइंट्स, और ऐसे सिंगल सेल्फ देखा मैंने, ऐसे सिंगल सेल्फ, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता है, ऐसे करने में स्टार्ट हो जाता है। इजी एज दैट। ये है आरपीएम, इधर गियर, अच्छा साइड स्टैंड दिया हुआ है, साइड स्टैंड कट ऑफ है इसमें, इसलिए अभी नहीं होगा, फिर से न्यूट्रल करता हूँ नॉर्मल, ऐसे एक बार ऑफ, फिर इसे तेरा करने के बाद, फिर इसे ऐसे दबा के ऐसे करने के बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी, I'm sorry, बाबू। उसका
लोगो हो गया। I'm sorry बाबू। और ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। इधर में ये भी इससे मांग के मैंने लगाए थे इधर मेरा चेहरा रिकॉर्ड करने के लिए गाइस, बट चेहरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब हुआ, डलने वाला है नहीं। बस और तो कुछ है नहीं, मॉडिफिकेशन कुछ किया नहीं अभी तक। स्टॉक ही है, स्टॉक ही है पूरा बाइक। आप लोग जरूर से बताना कैसा लगा ये वीडियो, बहुत दिन बाद व्लॉग किया तो थोड़ा कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है। और...